एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? तो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से रहेंगे करके। तो ये वीडियो मैं अभी स्टार्ट करती हूँ। आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे मैं आज बना रही थी चिकन, फुल चिकन तंदूरी बनाऊँ या ग्रिल बनाऊँ। तो मैं ग्रिल की रेसिपी बना रही थी, तो मैंने भी पहली बार ट्राई कर रही हूँ यहाँ। तो बिरयानी के लिए मैंने चढ़ा दिया है जो जो ग्रिल के लिए चाहिए था, तंदूरी या ग्रिल हाँ उसके लिए जो जो चाहिए था मैंने हस्बैंड को बता दिया था कॉल करके ही, आप ये सब कुछ लेके आना करके। तो वही वो ला के मुझे दिखा दे रहे थे, दो लो देखो मैं सब कुछ लाया हूँ, जो जो आपने कहा मैं सब कुछ ला के रखा हूँ करके। जो अपने आप आके सब कुछ भी यहाँ लेके आके रख रहे थे। मैंने एक चिकन को ले लिया है फुल वाला। देखिए आपको अच्छे से इसको वॉश करना पड़ेगा, जो भी अंदर का गंदगी रहता है सब कुछ भी आपको क्लीन करना पड़ेगा। अच्छे से क्लीन करके अच्छे से धो के मैं क्या करूँगी, एक बाउल में हम पानी लेंगे। पानी में आपको नींबू वगैरह को लेना पड़ेगा, एक नींबू काफ़ी रहेगा। एक नींबू को आप अच्छे से मसल के इसमें डाल दीजिएगा, जबकि हमारा आप 10 मिनट्स रख सकते हैं पानी में ऐसे ही सॉल्ट वगैरह डाल के और नींबू डाल के आप 15 मिनट्स रख सकते हैं। मैंने रखा था एक अराउंड 10 मिनट्स रखा था मैंने। देखिए उसके बाद मैं यहाँ पानी डाल के रख दूँगी थोड़ा रेस्ट करने के लिए। एक मैं 5 मिनट्स और 10 मिनट्स रखने के बाद उसके बाद हम इसमें कट लगा देंगे, क्योंकि कट लगाने पे हमारा जो भी हम मैरिनेट करेंगे वो अच्छे से लगता है। आप लोगों के पास टाइम रहा तो आप पूरा नाइट मैरिनेट करके रख सकते हैं, मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने सडनली भी डिसाइड किया था पकाऊंगी करके, तो इसलिए मैं तुरंत बना रही हूँ। आप लोग जो मैरिनेट करके अच्छे से एक दिन पूरा रात भर पूरा रखेंगे तो आपका अच्छे से बनेगा। तो आफ्टर 10 मिनट्स के बाद मैं अच्छे से पानी निकलने के लिए इसमें रखती रही हूँ। जब तक हमारा पानी भी हम निकल जाएगा चिकन से, अच्छे पानी को आप भी निकाल दीजिएगा। उसके बाद हम मेन प्रोसेस पे जाएंगे। तो हमें ऐसे ही अभी हमें कढ़ाई में तेल वगैरह लगाना है, तो ऐसे ही हम तलेंगे क्योंकि अंदर तक मसाला जाएगा। अभी हम तलने से इसका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट आएगा, अच्छा आएगा, इसलिए मैं भी देखिए इस तरह से मैंने भी कट लगा लिया। चलिए अभी हम इसको ऐसे ही फ्राई करते हैं। आपको सिर्फ लाल और रेड थोड़ा कलर आने तक फ्राई करना है बस। देखिए हमारा चिकन कितना फ्रेश लग रहा है। तो मैंने इसको रेड वगैरह तल लिया है, थोड़ा अच्छे से कढ़ाई में डाल के तल लिया है। अभी मैं बना रही हूँ खड़ा जो धनिया रहता है उसका पाउडर बना रही हूँ। उसका पाउडर है, आपको भी खड़ा धनिया में पाउडर बना लेना है। उसके बाद 1-2 स्पून हरी मिर्ची डालेगा, लाल मिर्ची का पाउडर, चिली पाउडर ज़्यादा डालिएगा, मेरे में थोड़ा कम हो गया था, आप लोग थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में डालिएगा, क्योंकि ना पकने के बाद थोड़ा लेट हो जा, थोड़ा कमी आ जाती है, तो इसलिए थोड़ा बहुत ज़्यादा ही डालिएगा। तो यहाँ मैं धनिया पाउडर डाल रही थी, चिली पाउडर, सॉल्ट डाल रही थी, और उसके बाद मैं यहाँ ऐड कर रही थी जिंजर का पाउडर। ये रहा गार्लिक का पाउडर, आपको गार्लिक और जिंजर का पाउडर डालना पड़ेगा। तो जिंजर गार्लिक का पाउडर सब कुछ मैंने डाल दिया है। उसके बाद हम यहाँ डालेंगे, आपको 3 सॉस लेना पड़ेगा, जैसे कि हो गया हमारा पहला वाला चिली सॉस डाल रही हूँ मैं। यहाँ आपको लेना पड़ेगा चिली फ्लेक्स लेना पड़ेगा, तो मैंने चिली फ्लेक्स को भी ले लिया है, करीब 1 स्पून वगैरह ले लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ टमाटर सॉस को, थोड़ा सा ऐड कीजिएगा, और उसके बाद केचप को ऐड कीजिएगा, उसके बाद सॉस को भी ऐड कर सकते हैं आप लोग, थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा। इससे ना थोड़ा टेस्ट भी अच्छा आता है, जो भी मसाला हम लोग लगाते हैं वो चिकन के अंदर तक जाता है और खाने में भी यम्मी सा रहता है, तो इसलिए मैं सब कुछ मसाले जो भी हैं ऐड कर रही हूँ। आप इसमें तंदूरी मसाला भी डाल सकते हैं, मेरे पास, मैं भूल गई थी, हस्बैंड को मैंने सब कुछ लाने के लिए बोला, ये वाला मैंने भूल ही गई। तो उसके बाद आपको कर्ड डालना है, मैंने 2 स्पून कर्ड डाल रही हूँ, देख सकते हैं आप, थिक कर्ड ऐड कीजिएगा अच्छे से ये मसाले को अच्छे से। और एक नींबू ऐड कीजिएगा, आपको एक नींबू काफ़ी रहेगा। हाँ,
एक नींबू काफ़ी रहेगा, आप एक नींबू से एक नींबू लगा लीजिएगा। तो अच्छे से काट के डाल के अच्छे से मैरिनेट करके चिकन को आप रख सकते हैं, 2-3 आवर तक हम रखना है, लेकिन मैं इमीडिएट बना रही थी। यहाँ पे हमारा जो मैरिनेट करने का मसाला भी रेडी हो चुका है, तो इसमें थोड़ा सा आप लाल कलर भी ऐड कीजिएगा, मैं वो भी भूल गई ऐड करना। तो लाल कलर भी आप हमको ऐड करना है, तो मैं वो भी भूल गई थी, तो वो भी ऐड कीजिएगा। उसके बाद अच्छे से अभी मैं इसको मसाला सब कुछ लगा दूंगी, आपको अच्छे से लगा दीजिएगा। तो जहाँ जहाँ भी एक जगह भी नहीं छोड़ के मस्त अच्छे से सब कुछ भी हर जगह से आपको लगा देना पड़ेगा ना मसाला। आपके पास टाइम है तो आप रख सकते हैं आराम से, आप 2 आवर रख दीजिएगा। आपके पास टाइम नहीं है तो मेरी तरह पका दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं मैरिनेट कर रही थी। आपको मैरिनेट करने के बाद क्या करना है, आपको एक फॉइल पेपर लेना है, सिल्वर पेपर लेके, तो उस पर अच्छे से आप जो मुर्गी है उसको अच्छे से रैप कर दीजिएगा। रैप करके कुकर में थोड़ा पानी डाल लीजिएगा। उसके बाद आपके पास स्टीमर है तो स्टीमर रख सकते हैं आप कुकर के अंदर। तो कुकर के अंदर मैंने स्टीमर रखा है, लाइक जो मैंने स्टैंड लिया था उसको रखा है। उसके बाद मैं यहाँ सिल्वर पेपर में अच्छे से मैं इसको फोल्ड कर रही थी। आप कुकर में आपने जो स्टैंड रखा है स्टैंड के ऊपर रखिएगा, और सिल्वर पेपर को आप पीछे की ओर से थोड़े 2-3 होल कीजिएगा। मैं भूल गई थी होल करना। होल करने पे जो भी मसाला है हमारा नीचे गिर जाएगा कुछ इस तरह से। आप होल्ड करके अच्छे से टाइट करके सीटी, बिना सीटी के क्लोज करके कुकर को आप 25 मिनट्स रख दीजिएगा। हाई फ्लेम पर 5 मिनट्स रखिएगा, उसके बाद लो फ्लेम पर 25 मिनट्स रखना पड़ेगा आपको। जब जाके हमारा चिकन अच्छा ग्रिल की तरह अंदर से पकेगा, चिकन अच्छे से अंदर से पकने के लिए हमें 25 मिनट्स हमें रखना पड़ेगा। देखिए मैंने पहले तो यहाँ मीडियम फ्लेम में रखा है, उसके बाद मैंने स्लो कर दिया, उसके बाद बच्चों को भी भूख लग रहा था, अराउंड हमारा बिरयानी हमारा चिकन भी पक रहा था वहाँ, तो बिरयानी पक के रेडी हो गई थी। तो डिनर में बनाया था मैंने, तो बच्चे खाते रहेंगे तब तक हमारा चिकन भी पक जाएगा करके मैंने बच्चों के लिए दे दिया था यहाँ। हाँ, उसके बाद 25 मिनट्स के बाद हमें ओपन करके देखना पड़ेगा। देखिए बहुत ही गर्म रहता है, थोड़ा आप फ्लेम हाफ करके 10 मिनट्स के बाद ओपन कीजिएगा। देखिए अच्छे से पक गया है हमारा चिकन, मैं आपको क्लोजअप से दिखाती हूँ। अच्छे से पका है, लेकिन देखिए नीचे पानी पानी सा है, क्योंकि मसाला मसाला ऐसे ही है, क्योंकि मैंने होल नहीं किया था इसीलिए। देखिए लेकिन अच्छे से पक चुका है। अभी आप क्या करेंगे, अभी हम इसको अच्छे से हम पैन लेके तल भी सकते हैं, आप अच्छे से डीप फ्राई भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्टोव में फ्राई भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो चलिए अभी मैं इसको डीप फ्राई करने वाली हूँ। डीप फ्राई करने के बाद इसका लुक वाइज और टेस्ट वाइज कैसा रहेगा मैं बोलूँगी। देखिए डीप फ्राई कर चुकी थी मैं, बहुत ही अच्छा था इसका टेस्ट वगैरह। आप एक ही कमी हो गई, थोड़ा मिर्ची नमक थोड़ा कम हो गया। आप ना मिर्ची नमक थोड़ा ज़्यादा ऐड करना, मैं थोड़ा मिनिमम ऐड की थी, थोड़ा कम हो गया था चेस्ट ब्रेस्ट वगैरह में, अदरवाइज़ पूरा अच्छा था गाइस।